हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लेसिंग्स एक्वेरियम। तो कितने सारे लोग एक्साइटेड थे और कितने सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं कि आपका जो अभी एक्जॉटिक स्टॉक आया है, एक्सक्लूसिव अरवानाज एंड अदर फिश का स्टॉक आया है, तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कौन सी एक्जॉटिक फिश हमारे पास आई है। थोड़ा बहुत आपको साइजेस के बारे में आइडिया दे दूंगी। प्राइसेस आपको चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर हमें डीएम कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसके पहले भी काफ़ी वीडियोस में दिखाया है, तो डिस्कस हमने रिस्टॉक कर लिया है। काफ़ी सारी अच्छी वैरायटीज हैं, अच्छे साइजेस हैं डिस्कस के। और इस टैंक में हमारे पास है सुपर हाई बैक गोल्डन अरवाना, जैसे कि आप देख रहे हैं, एंड ऑल्सो वी हैव इंक्लूडेड सम पीकॉक बास एंड इंडोनेशियन टाइगर विद इट। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि भाई अरवाना है तो टैंक में अकेली अरवाना रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा, टैंक अच्छा नहीं लगेगा। एंड बहुत लोगों को अरवाना फिश के साथ कौन से टैंक मेट्स ऐड करने चाहिए, इस चीज़ को भी लेके काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें वी हैव सम पीकॉक बास। इसमें देखिए 6 फीट का ये हमारा टैंक है। हमने एक 3D शीट यूज़ किया है, जिसके वजह से हमने ऐसे बैकग्राउंड, आपको इतना ब्यूटीफुली बैकग्राउंड दिख रहा है। एंड दिस इज आवर सुपर हाई बैक गोल्डन अरवाना, और देखिए कितना ब्यूटीफुल साइज इसका, ऑलमोस्ट दोस्तों अराउंड 12 इंचेस प्लस है। और साथ में सारे फिश बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, फीडिंग भी इनका हमने स्टार्ट कर दिया है, एंड फीडिंग भी अपने हिसाब से प्रॉपरली ले रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारा सेकेंड अरवाना, विच इज़ RTG, यानी कि रेड टेल गोल्डन अरवाना। अगेन, जैसे कि सबकी क्वेरी होती है कि अरवाना दूसरे फिश के साथ नहीं रहते, सो देखिए रेड टेल गोल्डन अरवाना है। इसका साइज है अराउंड 9 इंचेस, और इसको हमने जिस फिश टैंक में डाला है, उस फिश टैंक में और अदर जो फिश हैं, दोज आर स्पॉटेड सेवरम्स, सिल्वर शार्क्स हैं। तो इस तरीके का ये सेटअप है, एंड अच्छे से हमने इसको RTG को इसमें डाल दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है। सारे फिश अच्छे से सेटल हो गए हैं, फीड अच्छे से उठा रहे हैं, एंड वी आर रियली रियली हैप्पी अबाउट हाउ दिस अरवाना, मतलब इसका जो जिस तरीके से टर्न आउट हुआ है, वी आर रियली रियली हैप्पी। इतना छोटा साइज होने के बाद भी देखिए कलर इसमें फुल है, एंड साइज और शेप तो आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जॉटिक फिश है, दीज आर प्लैटिनम एलिगेटर गार्स, एंड ये जो बड़ी सी फिश है, दिस इज कॉल्ड अल्बिनो जायंट गुरामी। सो दोस्तों हमारे जो प्लैटिनम एलिगेटर गार्स है, वो ऑलमोस्ट अराउंड 2 फीट प्लस हो गए हैं, अब 24 इंच प्लस हो गए हैं। सो ये बहुत बड़ा टैंक है, हो सकता है वीडियो में ये टैंक इतना बड़ा नहीं लग रहा हो, बट दिस इज अ ह्यूज टैंक। लाइक दिस इज ऑलमोस्ट, दिस हैज अ ब्रेड्थ ऑफ ऑलमोस्ट 2 फीट। और हमारा जो जायंट गुरामी है, वो भी ऑलमोस्ट साइज उसका 12 इंचेस है। सो ये हमारा सेल सेक्शन में हमने ये अरवाना को रखा हुआ है। सो दिस इज अनादर RTG अरवाना, रेड टेल गोल्डन अरवाना। तो इसको हमने सेल सेक्शन में इसलिए रखा है सो दैट जिसको भी इंटरेस्ट है, जिसको भी परचेस करना है, जो कोई भी बायर है, वो बहुत अगर गौर से देखना चाहते हैं साइज, शेप एंड एवरीथिंग, तो हमने एक पीस को जानबूझकर हमारे सेल सेक्शन में ऐड करके रखा है। एंड हमने इसमें एकदम नॉर्मल लाइटिंग रखी है, ताकि लोग समझ पाए कि ये क्या क्वालिटी के, क्या ग्रेड के अरवानाज हैं। सो हियर आर अनादर एक्सक्लूसिव, अब फिश ही बोलेंगे इनको, दीज आर कॉल्ड एक्सोलोटल्स, एंड ये एक बहुत ही रेयर स्पीशीज है। सो मैक्सिकन स्पीशीज है ये, एंड इनके रिक्वायरमेंट्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो हमारे पास एक पेयर है, बट हमने इनको बीच में पार्टीशन करके रखा हुआ है, बिकॉज अदरवाइज फीडिंग के लिए थोड़ा बहुत लड़ाई पहले हो रही थी। पहले 2 दिन तो बिल्कुल ही इन्होंने फीड लिया नहीं, लेटर ऑन वी फिगर्ड आउट कि इनको श्रिम्स अच्छे लगते हैं, तो हमने श्रिम्स ऐड किया। एंड हाँ, इसका पानी का लेवल हमेशा कम रखिए, अदरवाइज दे कम आउट, बाहर टैंक के बाहर आ सकते हैं। सो दीज आर एक्सोलोटल्स, एंड ये आप फिश टैंक में नहीं रख सकते, इनको आपको अलग से रखना चाहिए। तो फिश के पास ये है हमारा अनादर टैंक, जिसमें हमने ऐड किए हैं सिल्वर अरवाना, एंड इसमें ये सारा देखिए सिल्वर अरवाना का ग्रुप है, एंड दिस वन इज अ सुपर हाई बैक गोल्डन अरवाना। अब इस टैंक में देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हमने, काफ़ी सारी फिश स्पीशीज हमने ऐड किए हैं। सो जैसे सिल्वर अरवानाज है, उसके बाद एक हाई बैक गोल्डन अरवाना है,
और इसके अलावा हमने ऐड किया है रेड पाइक फिश. सो दिस इज द रेड पाइक फिश. दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फिश एंड दिस इज अ वेरी हार्ड लाइफ फिश. इसका नाम है रेड पाइक फिश एंड दिस इज पर्टिकुलरली अ सिकलिड वराइटी. सो देखिए इस तरीके से ये दिखते हैं एंड दिस इज अ नेचुरल कलर. जब ये कोई सेट टैंक में रहेगा तो और ब्यूटिफुल और इसके कलर्स जो है बहुत ज्यादा निखर कर आते हैं. एंड वेल सभी को पता है कि हम लोगों को स्टिंगरेज कितने पसंद है, तो यहाँ पर है हमारा स्टिंगरे का कलेक्शन. तो इस वक्त हमारे पास इस टाइप के स्टिंगरेज हैं. सो वी हैव गॉट पोल्का डॉट, वी हैव बीडी एंड वी हैव हाइब्रिड स्टिंगरे. तो इस तरीके के पूरे स्टिंगरेज हमने इसके अंदर ऐड करके रखे हैं. अगेन बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं कि भाई यू नो अरवानाज के साथ कुछ नहीं रहता. तो ये देखिए ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल जीता जागता आंसर है. ऑल्सो इस टैंक में हमने ऐड किया है एटमैन का एक कैनिस्टर फिल्टर, एक इंटरनल फिल्टर भी चल रहा है, साथ में ही एटमैन का वेव मेकर भी चल रहा है टू गिव दैट अच्छा पानी में, मतलब पानी में एक अच्छा फ्लो होना चाहिए. फिल्ट्रेशन स्ट्रांग होने की वजह से फिश भी हेल्दी रहते हैं, पानी भी बहुत ज़्यादा क्लीन क्रिस्टल क्लियर रहता है. काफ़ी सारे लोग हमें पूछते हैं कि हाउ डू वी मेंटेन दिस क्लियर वाटर, कैसे हम मेंटेन करते हैं. तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि वी ऑलवेज यूज स्ट्रांग फिल्ट्रेशन. तो वेल फिल्ट्रेशन के लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी. अभी मैं आपको दिखा रही हूँ पास से, देखिए कितने ब्यूटीफुल हमारे स्टिंगरेज हैं एंड वो देखिए कैसे सैंड में बैठा हुआ है. वेल काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये स्टिंगरेज इस तरीके से सैंड में क्यों बैठे रहते हैं. इसके लिए एक वीडियो मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी. तो ओवरऑल अभी मैं आपको दिखा दूँ फटाफट से, दिस इज आर अनदर एक्सक्लूसिव एक्वेरियम. ऑल्सो साथ में हमारे पास है 2 फीट की इम्पोर्टेड जापनीज कोई कार्प्स. इसमें कोहाकूज है, शोवा है एंड हमारा जो पॉन्ड है इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है. बट मैं ये वाला जो है हमारे एल टैंक में हमने डाले हुए, तो ये फटाफट से मैं आपको दिखा दूँ. तो फिश कीपर्स हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कलेक्शन कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा. अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक दीजिए और जुड़े रहिए. जल्दी वापस आएंगे, तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग, टेक केयर एंड बाय.